बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शुभानदा। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद मियां नसीम मोनी के साथ स्पोर्ट्समैन हां सज्जाद कॉस्मेटिक्स शॉप पर मौजूद हूं। मेरे साथ कामरान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। काम साहब बताइएगा कि बिजली के बिल इस दफ़ा जो आए हैं इसने तो एक एटम बम की तरह लोगों पे आ गिरे हैं, तो इस वक्त लोग बड़े ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ये पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं आवाम को जिंदा दरगूर करने की पॉलिसियाँ हैं, इस वाले से क्या कहें? आपका शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई, आपने ये बहुत डेंजर मसला जो उठाया है मीडिया वालों ने। तो पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे छोटे ताजरों को मौका दिया अपना व्यूज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए। तो मेरी ये गुजारिश है, ये जो हुक्मरान है, पहले इतने लोग मजबूर हुए पड़े हैं कि उनका माशी कत्ले आम हो रहा है, तो ये हुकूमत निगरान हुकूमत अनवारुल काकर साहब को चाहिए कोई इस पर नज़रसानी करें। हम सुबह भी ये हमारे जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये कह रहे थे कि हम बेबस हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ये IMF ने हमें दिया है, तो ये भी प्रोग्राम जो आपने साइन किया है वो आवाम ने नहीं किया, ये आपने किया है। तो ये जो बिजली के जायद और बिलिंग आ रही है ये आप खुद दें जिन्होंने इस पैकेज को साइन किया है, ना कि आवाम दे। आवाम तो जब पैदा होते हैं बच्चा उसी वक्त से टैक्स अदा कर रहा है। तो मेरी अकाम बाला से ये गुजारिश है कि आप इस पे नज़र सानी करें, ये गरीब आवाम को और मत मारें, इससे ये जाएगा आवाम को कि जो लोग बेईमानी नहीं करते, जो करप्शन नहीं करते, वो भी करप्शन की तरफ लोग जाएंगे। इससे ये होगा कि लोग जो पहले इतने परेशान हाल हैं कि वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा करें या अपने घर का राशन लाएं या वो अपने घर के मामला को चलाएं, तो एक आदमी उसकी 20,000 सैलरी है तो वो 40,000 का बिल कैसे अदा करेगा। ये आपके सामने अभी फैसलाबाद के जो नौजवान ने खुदकुशी की है, यह हमारे लम्हा फिक्रिया है। हम ताजरों को भी चाहिए कि हम अपना अपने लिए निकले, इस कौम के लिए निकले, और अगर ये जो हुक्मरान ये समझ नहीं रहे तो फिर ये हमें निकलना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह, तो जब हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट हमारे इस पे नज़रसानी ज़रूर करेगी। कामरान भाई, जब तक हम IMF से जान नहीं छुटवाएंगे तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे, हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपकी ये बात ठीक है, लेकिन कब तक ये होगा? मेरी 43 साल एज हो चुकी है, जब से ये कोई गवर्नमेंट आती है तो यही कहती है कि आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कितना ये हम अपने आवाम को अपने बच्चों को ये बताएं कि हम अब IMF के जंगल से निकल जाएंगे। जब से हमने ओशमाली हुई है तो हम यही देख रहे हैं। खुदारा कोई ऐसा लोग ये इस्टेब्लिशमेंट वाले या जो लोग हैं इस पे नज़रसानी करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को मुंतखब करें, जो इस IMF वाले हमारे जो हमारे गदर पर ये बैठे हुए हैं इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप पार्टी को ना देखें, खा वो कोई भी पार्टी को छोड़ के ये बात करें कि जो आवाम के लिए सोचे उनको मुंतखब करें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उन लोगों को वोट दें जो हमारा सोचें। अब तो लोग अपने घरों की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल पे कर रहे हैं, बड़े हालात ख़राब हो गए हैं, दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, कोई आगे आसार नज़र नहीं आ रहे कोई बेहतरी के या कोई रिलीफ के। अब तो उन्होंने कह दिया कि ये आप किस्तें करवा लें बिजली के बिल की, ये आपको पे करना पड़ेगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं ज़ुल्फ़िकार भाई, ये तो ऐसा हुआ कि आप जहर खा लें लेकिन थोड़ी थोड़ी खा लें। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हम देखें ताजर हज़रात हैं, हम बहुत परेशान हैं। जो लोग देखें एक माह आँखें पलक झपके महीना गुजर जाता है, लोगों ने दुकानों का किराया देना होता है, बिजली के बिल, ये देखो हमारी शॉप छोटी सी, इसका बिल हमें 1500 आता था, जब अब जबकि हमारा 10,000 आ रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है, ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है, देखें हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हम बिल देते हैं बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इनको भी चाहिए। देखें वापा वाले कहते हैं हमें बिजली फ्री दी जाए, हैं जी, और इसके अलावा और भी जो कितने महकमे में गैस वाले कहते हैं हमें गैस फ्री जाए, तो हम पाकिस्तानी हैं तो हमें भी फ्री चाहिए ना। कमो बेश अगर ये वापा वालों को ये यूनिट फ्री नहीं करते तो कमो बेश एक आवाम एक घर के लिए 300 यूनिट तो फ्री होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो फिर हमें पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी होना चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। इसलिए मेरी फैज़ ज़ुल्फ़िकार आपके तो सलसल से और गुलिस्तान न्यूज़ कसूर वालों की ये पैगाम ये मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट वालों को, खुदारा हम पे रहम करें, हमारा कत्ले आम बंद करें। देखें जब भी कोई हुक्मरान आता है तो कुर्बानी आवाम देती है, अब हम थक चुके हैं। इससे पहले कि खामोश इनकलाब आए, इनका कह लें कि गिरबान और आवाम कहा, तो इससे पहले आप होश के नाखून लें। ये देखिए सारे ताजर ये परेशान खड़े हुए हैं, ये जो आवाम खड़ी है, हर आदमी परेशान है, कारोबार है नहीं, घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की तलीम भी ये के लिए भी पैसे चाहिए।
तो मेरी गुजारिश है कि ये इस पर सोच विचार करें, ये बहुत बुरा काम है, इससे लोग बड़े ज़हनी परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, और इसका तमाम जो अगर कोई आदमी जान देगा तो वो घूमते वक्त पे होगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस पर नज़रसानी करें और रिलीफ दें, ये रिलीफ बनता है आवाम का आप पे। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें हमारे ये पैगाम को उन तक बचाया पहुँचाया। जी नाजी, ये थे कामरान भाई, बड़ी प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी बातें की, जो मसलन वाकई ऐसा है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, लोग वाकई ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, खुदकशियाँ करने पर मजबूर है, कारोबार ना होने के बराबर है, अगर दुकानदार है अपने किराए कैसे दे, अपने बीवी बच्चों को पेट कैसे पाले, ये तो खुदकशियाँ करने पर मजबूर किया जा रहा है लोगों को, बेआसरा कर दिया है। इस वजह IMF से जो छुटकारा है, ये तो शुरू से अभी तक जो भी हुक्मरान आया उसने यही कहा है कि IMF से अब जल्द छुटकारा दिला दिया जाएगा, लेकिन IMF से छुटकारा नहीं दिया जा रहा है। उनकी पॉलिसियाँ मुल्क भर ऐसी ला दी गई हैं कि जिसकी वजह से लोग दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिसते ही जा रहे हैं, और अपने बीवी बच्चों को पेट पालना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। तो निगरान वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि खुदारा गरीब आवाम पर रहम करें, खुदारा गरीब आवाम का सोचें, कारोबारी लोगों का सोचें, कारोबार चलेगा तो ताजर बरादरी भी खुशहाल होगी, आवाम भी खुशहाल होगी, ऐसी पॉलिसियाँ लाएँ जिससे आवाम सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। जिनाजी, आपको हमारा ये ज़रूर प्रोग्राम पसंद आया होगा, इंशाल्लाह ऐसी प्यारी शख्सियात हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।